बाबा बेंगा की डरावनी भविष्यवाणी भारत जल इस बड़ी मुसीबत से घिरेगा। बाबा की हर पुरानी भविष्यवाणी सही साबित हुई, इसलिए देश को एक बार सोचना तो पड़ेगा। क्या सच में भारत को आने वाली महीने में झेलना होगा इतना बड़ा झटका? क्या देश पर कोई गंभीर संकट आने वाला है? क्या बाबा बेंगा की कही बातें आने वाले महीने में सच तो साबित नहीं हो जाएंगी? ये वो सवाल है जो इस खबर को देखते हुए आपके जहन में जरूर उठ रहे होंगे। भारत को लेकर बाबा बेंगा की भविष्यवाणी से आप चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बाबा बेंगा ने कहा था और क्या उसके संकेत मिलने लगे हैं, हर सच आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि आखिर बाबा बेंगा है कौन और उन्होंने भारत के लिए क्या लिखा था। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा बेंगा दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ताओं में शामिल हैं। बाबा बेंगा ने साल 2022 के लिए कई डरावने वाली भविष्यवाणी की थी, इसमें से कई भविष्यवाणियां अभी सच साबित हो चुकी हैं। बाबा बेंगा को बालकान क्षेत्र का नास्त्रदेमस कहा जाता है। बुल्गारिया के रहने वाले भविष्यवक्ता बाबा बेंगा एक फकीर थी और दृष्टिहीन थी, जिनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई। 1911 में जन्मी बाबा बेंगा की सिर्फ 12 साल की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई थी। कहा जाता है कि उनकी 85% भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अगस्त 1996 में अपनी मौत से पहले ही उन्होंने साल 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा बेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 के अंत में दुनिया के तापमान कम होगा, जिसकी वजह से टिड्डियों का प्रकोप बढ़ेगा। भोजन की तलाश में टिड्डियां भारत पर हमला करेंगी। टिड्डियों के हमलों में फसलों को भारी नुकसान होगा। इसकी वजह से भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और देश में भुखमरी पैदा होने की भी संभावना है। अगर बाबा बेंगा की यह भविष्यवाणी सच साबित होती है तो देश में बड़ी मुसीबत आ सकती है। इससे पहले बाबा बेंगा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं, जिनकी वजह से लोगों के मन में डर समा गया है। बाबा बेंगा ने सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा बेंगा की सोवियत संघ के विक्टर अमेरिका में आतंकी संगठन अलकायदा के 9/11 हमले समेत कई गई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बुल्गारिया की दृष्टिहीन बाबा बेंगा की भविष्यवाणी पर पूरी दुनिया यकीन करती है। अब बाबा बेंगा की भारत पर की गई भविष्यवाणी लोगों को डरा रही है। बाबा बेंगा ने साल 2022 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणी की थी। इनमें कुछ देशों में पानी की कमी से परेशानी होने की बात कही थी। पुर्तगाल और इटली जैसे देशों ने लोगों को कम पानी इस्तेमाल करने को कहा। 1950 के दशक के बाद इन देशों में सबसे कम बारिश हो रही है। इटली को भी 1950 के दशक के बाद से सबसे ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर भारत को लेकर बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सही साबित हुई तो देश पर बड़ा संकट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।